आगरा नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी सुनीता दिवाकर सहित पार्षद प्रत्याशियों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी सुनीता दिवाकर विकास कार्यों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। दिल्ली नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी दम भर रही है। आगरा नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी सुनीता सहित सभी पार्षद प्रत्याशियों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आगरा नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महापौर सहित कई वार्डो में पार्षद पद पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी महापौर प्रत्याशी सुनीता दिवाकर को जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। इस प्यार और समर्थन को देखकर सुनीता दिवाकर का कहना है कि वह इस भरोसे पर खरी उतरेंगी। देखिए, जनता का प्यार और हमारा प्रचार दोनों बराबर है, पूरी तरीके से शिखर पर है, जितना दिख रहा है उससे बहुत ऊपर है और इतना मनोबल इतना ऊंचा है कि हमारी आगरा जो है आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद कर रही है, खुश हो रही है, प्यार भी दे रही है और उसकी पूरी अंदर से दिल से इच्छा है कि आम आदमी पार्टी की मेयर मैं बनूँ, सुनीता बने, सुनीता दिवाकर बने और साथ ही हमारे पार्षद जी हैं वो हमारे आगरा के पार्षद बने। तो मैं सबसे यही विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग जितना हमें प्यार सम्मान दे रहे हैं, दिलों में दे रहे हैं, तो झाड़ू के निशान पर अपना बटन दबाएं और हमको भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करें। आप महापौर प्रत्याशी सुनीता ने पार्टी हाईकमान के निर्देश पर सभी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं के अलावा डोर टू डोर जनसंपर्क किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री देकर जनता को राहत दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हमारी पार्टी जीतने पर बिजली बिल माफ और हाउस टैक्स को हाफ किया जाएगा। एक तो मेरी सबसे कम उम्र में है और मेरे को जनता का इतना प्यार और दुलार मिल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं, और 13 तारीख को जब इसके परिणाम खुलेंगे तो एक रिकॉर्ड कायम हो चुका होगा आगरा नगर निगम में। बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। जनसंपर्क करने के दौरान आप महापौर प्रत्याशी बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई की वजह से त्राहिमाम कर रही है और अब जनता की सोच बदल चुकी है। जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन कर क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगी।